नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का न्यू वर्ल्ड टेक चैनल में स्वागत है। दोस्तों 90,000 पदों पर चल रही भर्तियों को लेकर के ग्रुप डी लोको पायलट टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो के लिए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहे। यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं रेलवे से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट और साथ ही साथ आपको दी जा रही है रेलवे की फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस जिसमें आपके ऑनलाइन टेस्ट लिए जा रहे हैं और साथ में आपको जनरल साइंस रीजनिंग और आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बेल आइकन दबाइए जिससे हम जो भी रेलवे से जुड़ा हुआ वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं इस नई अपडेट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का माइंड किस क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। ऑप्शन है सद्भावना एक्सप्रेस, सदाय, सरहद, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस या समझौता एक्सप्रेस। दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए और बन जाइए आज के स्मार्ट व्यक्ति। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अमर उजाला न्यूज़पेपर में एक न्यूज प्रकाशित हुई है जो कि 6 अप्रैल को आप देख सकते हैं लगभग 2 बजे के आसपास ये न्यूज प्रकाशित हुई है। यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि भारतीय रेलवे में 90,000 नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों को आरआरबी ने दी राहत। जी हाँ दोस्तों बहुत बड़ी खबर है क्योंकि यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी इस वीडियो के अंदर, तो बने रहे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी प्रशासन रेलवे की तमाम भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राहत देने जा रहा है। बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उनका अंक पत्र दिखाने की तैयारी शुरू की गई है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर पारदर्शिता को लेकर के यहाँ पर आपको परीक्षा में अंक पत्र दिखाई दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों रेलवे बोर्ड स्तर पर इसका मंथन चल रहा है। इस बार ग्रुप सी और ग्रुप डी के 90,000 से ज्यादा पदों पर होने वाली भर्तियों परीक्षा में यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। बता दें कि ग्रुप सी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के 26,502 पदों पर जबकि ग्रुप डी 62,907 पदों पर भर्तियां होनी है। असिस्टेंट लोको पायलट की 17,677 वैकेंसी है जबकि टेक्नीशियन की 8,829 वैकेंसी है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार करीब 1,00,000 रिक्त पदों पर 2.5 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। समय समय से रेलवे परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी शिकायत करते आ रहे हैं कि परीक्षा का जब रिजल्ट आए तो उन्हें अंक पत्र मुहैया कराया जाए। इसके अलावा परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स भी परीक्षार्थियों को बताया जाए। इस संबंध में इलाहाबाद समेत देश के सभी रेलवे भर्ती बोर्ड पर सूचना के अधिकार कानून आरटीआई के तहत ढेरों आवेदनों की आवेदन भी आते हैं। लगातार मिल रही इन शिकायतों को देखते हुए बोर्ड पर स्तर पर अब मंथन किया जा रहा है कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी को कट ऑफ मार्क्स एवं उनके अंक पत्र चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएं। सूत्रों के मुताबिक व्यवस्था कुछ ऐसी ही रहेगी कि परीक्षार्थी के ईमेल आईडी पर ही उनके अंक पत्र मुहैया कराए जाएंगे। पिछले वर्ष नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी की परीक्षा में सभी आरआरबी ने परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्नों के सही उत्तर की सूची जारी की थी। इस व्यवस्था पर तमाम अभ्यर्थियों ने आरटीआई के माध्यम से कट ऑफ मार्क्स पूछे थे। तो दोस्तों ये थी सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी गई है और इसे आप फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, किसी पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों रेलवे भर्ती से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल पर आज ही जुड़ जाइए और इस वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबा करके सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप इस घंटी का बेल आइकन दबाते हैं। और दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।